जिले ग्राम प्रधान गिरौरा सलीम अहमद खान, विकास खंड मारेरा, तहसील बजला एटक। अपनी ग्राम पंचायत मेरे द्वारा विगत 2.5 वर्षों में करीब 500 मीटर सीसी कार्य करा लिया गया है। प्राइमरी पाठशाला की स्थिति यह है कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन 353 स्कूलों में करा दिए गए, शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं, क्योंकि शासन और प्रशासन की मंशा ग्राम पंचायतों को सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाने के अलावा और कुछ नहीं। ग्राम पंचायत प्रधान काम कराएंगे प्राइमरी पाठशाला में शासन के निर्देशानुसार कि साहब हमको बनाना है कॉन्वेंट स्तर का स्कूल, क्या टाइल्स और पानी की टोटियाँ और समर के कनेक्शन होने से क्या प्राइमरी पाठशाला की दिशा सुधर जाएगी, कॉन्वेंट हो जाएगा? क्या शिक्षा की जरूरत नहीं है? शिक्षा के नाम पर शिक्षक डिक्टेटर हो चुका है, क्योंकि शासन और प्रशासन की नीतियाँ ही यही है कि हम जो कुछ करेंगे वो होगा, किसी जनप्रतिनिधि की कोई औकात नहीं है। जैसा हम खिलाएंगे वैसा हम खिलाएंगे। आपको प्रधान जी अगर दस्तखत नहीं करोगे चेक पर तो आपके खिलाफ ब्लेम लगा दिए जाएंगे कि साहब आपने हमसे पैसे मांग लिए, ये कर दिया वो कर दिया। क्या केवल टाइल्स लगवाने से, अच्छी टोटी लगवाने से, स्वच्छ पेयजल देने से क्या स्कूल कॉन्वेंट बन गए? क्या किसी शासन और प्रशासन ने आज तक ये स्कूल में जाकर देखा कि इनकी शिक्षा की स्थिति क्या है? एक CBSE प्राइवेट स्कूल जिसके टीचर को 10,000 तनख्वाह मिलती है, 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो IAS बनाता है, और हमारे प्राथमिक शिक्षक जिनको 70,000 रुपये पेमेंट मिलता है, वो मुझे लगता है कक्षा 5 का बच्चा अपना शुद्ध नाम नहीं लिख सकता हिंदी में, हमारी मातृभाषा में। ये है शिक्षा की गुणवत्ता। अब दूसरी बात सफाई की। शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप गांव में घुटनों कीचड़ भरी हुई है, क्योंकि हमारे DPRO साहब और हमारे ADO पंचायत साहब का कहना है कि साहब एक महीने में एक बार टीम लगेगी गांव में। क्या आप बताइए एक महीने बाद सफाई किसी के घर में होती है? क्या ADO पंचायत और DPRO के ऑफिस में एक महीने में झाड़ू लगती है? नहीं, क्योंकि हम डिक्टेटर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो हमें आप पदच्युत की धमकी दिखा दोगे। अब रही बात काम कराने की, आपने हमारे पैरों में इतनी बेड़ियां डाल दी हैं कि हम स्वायत्त शासी संस्था होते हुए भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम जबकि संविधान के अनुसार हम तो एक स्वायत्त शासी संस्था समझ बैठे थे पंचायतों को, मगर हमें क्या मालूम था कि एक बंधुआ मजदूर से ज्यादा औकात नहीं छोड़ी है इन लोगों ने हमारी। हम जबकि कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार अपनी नियम कायदे बनाने का अधिकार पंचायतों को है, उनका कार्यान्वयन करने का अधिकार पंचायतों को है, मगर सरकार और प्रशासन ने मिलकर गर्दन हमारी दबा के रख दी है कि साहब आप प्रस्ताव करिए, प्रस्ताव के बाद कंप्यूटर में फीड कराइए, कंप्यूटर में फीड कराने के बाद उसकी आईडी लीजिए, आईडी के बाद उसकी एस्टीमेट बनवाइए, एस्टीमेट के बाद आप उसकी MB कराइए, MB के बाद उसका पेमेंट कराइए। क्या है ये?
क्या पंचायतें बेईमान है? मैं चैलेंज करता हूं इस चीज का कि जितनी कार्यदायी संस्था है, अगर उनसे सबसे अच्छा काम ग्राम पंचायतों का ना हो, मगर शासन और प्रशासन की हम प्रधान बेईमान है। हाँ, कुछ अतिशयोक्तियां नहीं होंगी क्योंकि सारे ही लोग सही नहीं होते हैं। हो सकता है 1% लोग खराब भी रहे हो हमारे संगठन में, और इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा पूरा सिस्टम ही बेईमान है। इस इतनी सारी फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों को चढ़ावा, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं बनता। क्या बनता है इसके अलावा, बताइए। हम फीडिंग में जाएंगे तो पैसे, इस्टीमेट बनाने में जाएंगे तो पैसे, आईडी लेने जाएंगे तो पैसे, आखिर पैसा आएगा कहां से? क्योंकि ये सरकार और ये प्रशासन, ये और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ने, ब्यूरोक्रेसी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है, और न पब्लिक की कोई मतलब है, न जनप्रतिनिधि का कोई मतलब है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं उनके। चलिए, इसी चीज को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।